Assalamualaikum viewers, welcome to Leo TV. CorelDraw X7 के lecture number 24 के साथ एमली चुकताई. Viewers, last हम table का menu complete कर चुके हैं और आज मैं आपको text menus के बारे में बताऊंगा कि text menu हम किस तरह use करते हैं. Like viewers, इसमें मैं इसको F4, F3 press करके इसको zoom in करूंगा जरा और इसमें मैं आप सबसे पहले इसमें एक टेक्स्ट ऐड करते हैं. लाइक इसमें मैं इसी पे लियो टीवी लिखता हूँ. मैंने इसमें लिखा लियो टीवी सब्सक्राइब लियो टीवी ना. मैं इसका टेक्स्ट का साइज यही सेम लेने था. इसको F4 प्रेस करूँगा और जूम करता हूँ सिर्फ ओनली इस पे. और इस पर जूम करके मैं इसमें टेक्स्ट की मेन्यूज में जाता हूँ. टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे एक स्लाइडर बार शो होगे. लाइक इसमें व्यूवर्स यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करेंगे. लेकिन कोई भी काम करने से वैसे हम वी नो डैट के सिलेक्शन करनी पड़ती है. तो इसमें हम सिलेक्शन की टाइम रोमन, ये देखिए मैंने सिलेक्शन पे इस पर टेक्स्ट यूज़ किया टाइम रोमन. नाउ इसको बोल्ड, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, जिस तरह भी आप, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ. फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का साइज़ देखिए जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें. मैं लाइक इसमें 18 PT यूज़ करता हूँ. इसके बाद इसमें यूनिफॉर्म फिल है. अगर आप इसमें कोई कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए मैंने कलर चेंज कर दिए. इसके बाद इसमें व्यूवर्स नाउ नेक्स्ट यूनिफॉर्म फिल के बाद इस फाउंटेन फिलर फिल आ जाएगी. ये देखिए फाउंटेन फिल हो गई. इस पर गेन क्लिक करूँगा और आप देखें कि थोड़ी देर बाद आपको एक मेन्यू शो होगा. ये देखिए बॉक्स आ गया. मैं इसमें ये फाउंटेन फिल यूज़ करूँगा. देखिए ये फाउंटेन फिल यूज़ की इसमें. ये देखिए मैं आपको इसका साइज़ बड़ा करके चेक करवा देता हूँ. ये देखिए ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको. ये 24 पे क्लिक करते हैं, अब आपको फाउंटेन फिल क्लियर हो जाएगी. ये देखिए ये मैंने इसमें फाउंटेन फिल की यूज़ की है. अब इसमें यूनिफॉर्म फिल में ये देखिए बैकग्राउंड की फिल है. वही सेम ऑप्शन है, कोई भी आप इसमें बैकग्राउंड फिल यूज़ कर सकते हैं. ये देखिए मैं इसमें फाउंटेन फिल बैकग्राउंड में भी आ जाती है. लाइक इसमें देखें मैं इसमें बैकग्राउंड पे ये यूज़ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं बैकग्राउंड पे. व्यूअर्स ये ऑप्शन आपके सामने क्लियर है. इसके बाद ये टेक्स्ट की बारी आ गई. टेक्स्ट में हेयर लाइन है, उसकी आउट लाइन वगैरह. नाउ इस 3 मैं इसको मोर कम कर देता हूँ थोड़ा सा. इसकी आउट लाइन यूज़ करते हैं. देखें हेयर लाइन ना, इसमें हेयर लाइन का कलर्स आपको पता ही है किस तरह चेंज करते हैं. लाइक इसमें ये देखिए मैंने इसके हेयर लाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ. ओके व्यूवर्स, नाउ इसमें ऑल कैप्स, देखिए ऑल कैप्स में अगेन. नाउ मैं आपको छोटी सी इसमें इसमें ऑल पहले फाउंटेन्स को वगैरह को ख़त्म करते हैं. फिल्स को नो फिल, इसको भी करते हैं नो फिल. ठीक है व्यूवर्स, नाउ इस पर अगेन वापस जाते हैं. मैं इसमें कलर सेलेक्ट कर देता हूँ ब्लैक. अब देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा ऑल कैप्स में. ये देखिए ये हैं ऑप्शन है इसमें टाइटिंग स्मॉल कैप्स. ये देखिए ये स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट हो गया. इसके बाद इसको अगेन देखें, ये ऑल स्मॉल कैप्स, ये ऑल स्मॉल कैप्स हो गए. इसके बाद नंबर्स के लिए ये इसमें कोई नंबर्स वगैरह हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए ये देखिए इसमें नाउ स्मॉल कैप्स फ्रॉम. ठीक व्यूवर्स, ये देखिए इसमें नॉन नाउ इस वापस पे आके अपने विषय में ऑल कैप्स, ये देखिए ऑल कैप्स में कन्वर्ट हो गया 1/4 नॉन. ये इसमें व्यूवर्स ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ. ये देखें मैं इसमें नंबर्स यूज़ करता हूँ 1, 2, 3 और इसमें एक नंबर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ. और इसमें ये देखें
ये सुपरस्क्रिप्ट किया, इसको भी बस अगेन देखें, यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से, ये देखें ये देखिए स्टाइल इसका, जिस पोजीशन में आपने इसको रखना है वो उस पोजीशन में रख के सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इज बेटर। और व्यूवर्स इसके बाद इसमें देखें कि मैं इसमें मज़ीद नंबर ऐड करता हूँ, अभी इसमें मोर है, देखें मैंने सिलेक्शन नहीं की, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब देखिएगा ये देखें। नहीं, इसमें हम दो सिलेक्ट कर लेते हैं और दो में देखिए डिमेंशंस पे, क्लियर व्यूवर्स। नाउ इस पर गेन देखें, नॉन करते हैं इसको, नंबर्स पे आते हैं, डेसिमल्स देखिए, टैबुलर इस भी मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने, इसकी साल प्रॉपर्टीज शो हो गई हैं व्यूवर्स। ये इसका छोटा सा शॉर्ट सा मेन्यू है और इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद मैं इसमें इसको ज़रा सा मूव कर लेते हैं, टेक्स्ट के मेन्यू में गेन जाता हूँ, फॉन्ट बैकग्राउंड। अब फॉन्ट बैकग्राउंड में देखिए कि इसको सिलेक्शन करते हैं और इसको देखिए, ये इसकी बैकग्राउंड्स पे डॉट साइट एमिट, इसमें क्लियर करता हूँ आपको, ये देखें ठीक है। ये कोई हमने इसमें चेंजिंग करनी हो तो हम इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं, लाइक इसमें मैं टाइम वुमन कलर्स फॉन्ट के है, फॉन्ट की जो बैकग्राउंड होती है अब तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हो उसको हमें टच नहीं करना चाहिए, ठीक व्यूअर्स। ना इसको फायर फायर फोर करता हूँ, इसको मैं जूम करता हूँ, इसमें मैं टेक्स्ट पे अगेन जाऊँगा और इसको फॉन्ट बैकग्राउंड ख़त्म करता हूँ और एडिट टेक्स्ट, यहाँ से हम इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, यानी ये देखिए इसमें एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स हो गया, यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करके नॉर्मली ये पैराग्राफ वगैरह के लिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, इसमें वही ऑप्शंस नाउ इज बैक, ठीक है। ऑप्शंस में ये स्पेल चेक हो जाएगा, लाइक इसमें ये देखिए मैं स्पेल चेक करता हूँ तो वो स्पेल चेक तब बता देगा, ओके। अगर इसमें ऑप्शंस को मैं ग्रामर आ गई है, ये इसको क्लोज करते हैं, ऑप्शन में गेन जाते हैं, ये देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन हैं। नाउ इस क्लियर व्यूअर, टेक्स्ट में अगेन नाउ इंसर्ट करेक्टरसिस करने हैं, देखें मैं फॉन्ट सेलेक्ट किया और इंसर्ट करेक्टरसिस, ये करेक्टर्स हैं, कोई आपने इसमें करेक्टर इंसर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, देखिए मैं ना इसमें एक सिलेक्शन करता हूँ, इसमें ये देखें मैं करेक्टर इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है बस न्यू पे, ये देखिए कोई भी इसमें करेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें करेक्टर्स हैं, लाइक इसमें ये देखिए उर्दू के वर्ड्स आ गए और इस नीचे डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स है, कोई भी आप इसमें फॉन्ट सेलेक्ट करें और इसके करेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, ये देखिए अगेन चेक कर लीजिएगा, फिर ना कहिएगा समझ नहीं आई, ये देखिए ठीक है। मैं इसको मूव कर देता हूँ, डॉलर साइन आ गया, इसको एंटर करना पड़ेगा डॉलर साइन, ठीक है बस। नाउ इसमें देखें, इसमें एक फॉन्ट है, मैं आपको आज वो भी बता देता हूँ, इसमें ये देखें ये फॉन्ट एक नाउ विंगडिंग, देखें इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स सैम्बल्स बने हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा,
ये इसमें आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ से इसे क्रॉस कर देते हैं। या इसमें अगेन जाता हूँ टेक्स्ट में, इंसर्ट कलेक्टर, इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड नाउ। ये फॉर्मेटिंग कोड है व्यूअर्स, EM डैश नाउ। ये देखिए व्यूअर्स, इन कोड्स को आप ज़्यादा टच ना कीजिएगा, इससे कोरोड्रा की सेटिंग भी चेंज हो जाती है और आपको फिर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे। पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम है, ये देखिए मैं आपको इसमें पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम के बारे में, ये आ गया शो, बंद कर दिया हमने। ठीक बस, ये कोरलड्रा की कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। इन सेटिंग्स में अगर हम इसको छेड़ दें तो कोरलड्रा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, फिर हम डिफ़िकल्टीज में क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर दोबारा सेटिंग ना करनी आई तो आप इसको सेटिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक बस, यही इसी में क्लिक करते हैं। ये देखिए मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें देखिए एक यही टेक्स्ट है, मैं इसको होम नाउ शिफ्ट एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी F4 प्रेस करते हैं। इसमें देखें, ये मैंने इसमें एंटर किया, ये एक पैराग्राफ बन गया। इस वजह से इस पैराग्राफ की शेप दी है इसको, ताकि कुछ देखें, मैं इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर रहा हूँ और जूमिंग करते हैं इसको, यहाँ से रिमूव करते हैं, इसमें गेन सिलेक्शन करते हैं, यस इसमें ये स्पेस देते हैं, इसको भी यहाँ से मूव करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं, एक इसमें यहाँ से स्पेस से। अब ये बस इसमें देखिएगा, कंट्रोल ए, व्यूअर्स अब आपको टेक्स्ट के मैन्यूस में मैं बता चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।